गाइस अब सो थंबनेल और टाइटल देख के आपको मन पड़ गया रहेगा ये वीडियो किस बारे में। सो ये है हेयर्स के रिलेटेड। सो मैं पहले ही बता देता हूँ कि जिसके शॉर्ट हेयर्स है उसके लिए ये वीडियो नहीं है, लॉन्ग हेयर्स के लिए। सो लाइक इस वीडियो में मैं ना ही हेयर ड्रायर यूज करूंगा, ना ही राउंड ब्रश और ना ही वैक्स, और तो भी मैं आपको मेरी जो पर्सनल ट्रिक है जो मैं खुद यूज करता हूँ वो बताऊंगा, मतलब मैं खुद यूज करता हूँ। सो इसमें आपको दो चीज की जरूरत रहेगी, एक हेयर बैंड के लिए और एक कोकोनट ऑयल, कोई भी कोकोनट ऑयल आप ले सकते हो। और आपके बाल पूरे ड्राई होने चाहिए पहला। सो इसको मैं गीला करूंगा, फिर अच्छे से पोछूंगा, आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, ठीक है। सो पहले इसको गीला करूंगा। ओके सो अभी आप देख सकते हो मेरे बाल बहुत गीले, तो इसको पहले अच्छे से ड्राई कर लूंगा, हेयर ड्रायर से नहीं टाल से, जितना हो सके इतना अच्छे से ड्राई कर लो। ओके सो फर्स्ट स्टेप ये था कि आपको ड्राई करना है, सेकंड स्टेप आपको लोकेशन चेंज। ओके सो स्टेप नंबर टू है कि आपको थोड़ा सा एकदम हल्का सा ऑयल लेने का है, जैसे मैंने दो ड्रॉप लिया है, एक मिनट रुक जाओ, दिख क्यों नहीं रहा, मैंने दो ड्रॉप लिया है आप स्क्रीन पे देख सकते हो, और उसको मैं ना अच्छे से रब करूंगा, उसमें भी एक हाथ का मतलब रब किया ना तो एक हाथ का नहीं रखूंगा, और एक हाथ से जो एक हाथ का ऑयल है ना वो कर दूंगा अच्छे से, बाकी आपकी मर्जी आपको जितना ये लगता है, लेकिन मैं तो एकदम कम अप्लाई करने बोलूंगा, नहीं तो फिर आपको अच्छे से वॉल्यूम नहीं आएगा। ओके सो ये स्टेप हो गया आपका, और फिर आपके पास जो भी नॉर्मल कोम है ना घर पे उससे आपको है ना पीछे बाल कर लेना है, और बाल थोड़े गीले रहने चाहिए, फिर ये जो रबर बैंड है ना उसको सर में अच्छे से बांध लो। मैं भी बहुत अजीब लग रहा हूं मुझे पता है, सर में बांध लो और आधा हाफ एन आवर के लिए रुक जाओ जब तक ये पूरा ड्राई हो जाता है, और फिर देखना आपको वॉल्यूम कितना अच्छा है। ओके सो अभी हाफ एन आवर हो गया, और ये मैं अभी निकालूंगा, थोड़ा जूम आउट कर लेता हूं, ठीक है। सो ये मैं रबर निकाल रहा हूं, और कोम अभी मेरे पीछे बाल है, ओके सो आप लोग देख सकते हो अभी तक मेरे पूरे ये नहीं हुए ड्राई, जितने ज्यादा ड्राई होंगे इतने मेरे ना वॉल्यूम आएगा बाल में, और इतने मेरे बाल ऊपर होंगे। सो लाइक आप देख सकते हो तो वॉल्यूम कितना आ गया है, मैंने ऑयल अप्लाई किया था, सोचो अच्छा खासा पफ बन गया मेरा, मतलब सब ओके सो मेरा हो गया अभी। ओके सो मेरे बाल हो गए सेट, सो अभी आप ऐसे कहीं पे भी जा सकते हो, और लाइक जितने ज्यादा अभी मेरे पूरे सूख नहीं गए, तो जितने ज्यादा टाइम आप दोगे या हेयर ड्राई मारोगे या धूप में घूमोगे तो इतना ज्यादा वॉल्यूम आएगा उसको, और आप मतलब बाल भी सिल्की रहेंगे, नहीं तो वैक्स लगाएंगे तो उंगली जाएंगे तो रूठ जाता है, बाल थोड़ा कड़ा हो जाता है, लाइक देख सकते हो आप कितने फ्रीली मेरे उंगली में निकाल पा रहा हूँ, और जितना ज्यादा ये सूखेगा इतना ज्यादा ये फ्री होगा और वॉल्यूम आएगा। सो आप ट्राई कर सकते हो घर पे, मेरा तो अच्छा हो रहा है। सो ये रिजल्ट्स
इसके बाद और इसको वॉल्यूम आने वाला है, और जितना ज्यादा ड्राई होगा इतना ज्यादा वॉल्यूम आएगा। बस इतना कहना था, खुबी लगेंद्र वीडियो, मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो @karanbro, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और प्लीज 9000 करवा दो। थैंक यू, बूम।